दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली समेत एनसीआर के सभी राज्यों का हलफनामा। केंद्र ने दाखिल किया 392 पेज का हलफनामा। प्रदूषण पर काबू पाने के उपायों का जिक्र। केंद्र के हलफनामे में कहा गया, केंद्र सरकार के दफ्तरों में घर से काम करने की इजाजत देना मुश्किल। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को कारपूल करने की दी सलाह। सड़क पर गाड़ियों की संख्या में आएगी कमी। पंजाब के हलफनामे में कहा गया, पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने में आई कमी। पंजाब ने रखी मांग, केंद्र सरकार किसानों को पराली के बदले 100 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा एमएसपी दे। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में रखा 12 पेज का शपथ पत्र। प्रदूषण दिल्ली एनसीआर की बड़ी समस्या। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की दिल्ली में आपात बैठक। स्कूल कॉलेज ऑनलाइन करने की थी सिफारिश। दिल्ली और एनसीआर में निर्माण कार्यों पर 21 नवंबर तक रोक। जरूरी सामानों को छोड़ ट्रकों की एंट्री पर भी लगाई पाबंदी। दिल्ली में दिवाली के बाद से हवा में है जहर। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला। प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर तुरंत कटेगा 10,000 का चालान। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, सभी पेट्रोल पंप पर तैनात रहेगी टीम। बहुत एग्रेसिव चलानिंग की है हमारी। तमाम जितनी भी एनफोर्समेंट व्हीकल्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर्स हैं, वो लगातार पिछले 1.5-2 महीने से जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको हमने चलान किया है। 2 महीने से हमने बहुत देखा। गुरुग्राम में भी प्रदूषण से हालात खराब। आंखों में जलन और सांस की तकलीफ। अलीगढ़ में दिख रहा है स्मॉग का असर। लोगों के लिए बाहर निकलना हुआ मुश्किल। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। पीएम मोदी ने कहा, लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की अहम भूमिका। हर साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी मुहिम तेज। अगले महीने गोरखपुर और वाराणसी जा सकते हैं पीएम। 13 दिसंबर को हो सकता है काशी का दौरा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कर सकते हैं उद्घाटन। गोरखपुर भी जा सकते हैं पीएम। यहां खाद कारखाने का कर सकते हैं लोकार्पण। आज से श्रद्धालुओं के लिए फिर खुल रहा है करतारपुर कॉरिडोर। सिख यात्रियों में जबरदस्त उत्साह। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए 855 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। 26 तारीख को वापसी। अटारी वाघा सरहद से पाकिस्तान जाएंगे श्रद्धालु। ननकाना साहिब के साथ पंजाब साहिब करतारपुर साहिब में मनाएंगे प्रकाश पर्व। अंबाला से भी करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए रवाना जत्था। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। 18 नवंबर को करतारपुर साहिब के दर्शन करेगा सरकारी प्रतिनिधिमंडल। आज बुंदेलखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का लेंगे जायजा। आज गाजीपुर में होगा अखिलेश यादव का कार्यक्रम। कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की वजह से नहीं मिली थी इजाजत। यूपी के चित्रकूट घाट पर प्रियंका गांधी करेंगी 5,000 महिलाओं के साथ संवाद। 2 महीने में 5 करोड़ महिलाओं से संपर्क साधने का लक्ष्य। यूपी में फुल स्पीड में है चुनावी सियासत। ओपी राजभर ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना को बताया बीजेपी का ड्रामा। वीरांगना उदा देवी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने शाहजहांपुर पहुंचे चिराग पासवान। जमकर की पीएम मोदी और योगी की तारीफ। एक कार्यक्रम में अशोक गहलोत के छूटे पसीने। रिश्वतखोरी खत्म करने के दावों के बीच सामने बैठे लोगों ने कहा कि अब भी लगते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे। तेज हुई उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी। 2 दिनों के दौरे पर हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। रुद्रपुर में पदाधिकारियों के साथ बैठक। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने के खिलाफ ममता सरकार ने विधानसभा में पास किया प्रस्ताव। कहा संघीय ढांचे पर हमला। 2 दिनों के दौरे पर गोवा पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। इस महीने तीसरी बार यात्रा। गोवा के तपोभूमि मंदिर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। विधि विधान से की पूजा। केजरीवाल के गोवा दौरे को लेकर सुलगी सियासत। बीजेपी बोली प्रदूषण मुक्त हवा लेने गए हैं दिल्ली के सीएम।
अहमदाबाद में सार्वजनिक जगहों पर अब नहीं बिकेंगे अंडे और नॉनवेज, आज से लागू हुआ नगर निगम का फैसला। अहमदाबाद नगर निगम के फैसले पर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा अंडे के नाम पर बांटने की कोशिश। अहमदाबाद नगर निगम के फैसले से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला, कहा किसी के रोजगार पर नहीं कर सकते हमला। वजह से जो इंक्रोचमेंट है या जो फुटपाथ के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो उनको हटाना चाहिए। दिल्ली में आज से ही बंद हो जाएगी सरकारी शराब की दुकानें, पूरी तरह से निजी हाथों में होगी शराब की बिक्री। दिल्ली में खुल रहे नए शराब के ठेकों को लेकर नाराजगी, गोविंदपुरी में केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में रिहायशी इलाकों में खुल रही शराब की दुकानों को लेकर प्रदर्शन, करोल बाग में लोगों का प्रोटेस्ट मार्च। शराबबंदी को और सख्त बनाने की तैयारी में है नीतीश कुमार, पुलिस वालों पर भी कसेगा शिकंजा, एसएचओ की शिकायत आने पर 10 साल थानेदारी से आउट। भारत ने 99 देशों के यात्रियों के लिए खत्म किया क्वारंटीन नियम, अमेरिका ने भारत आने वाले अपने नागरिकों को दी खास हिदायत। कंगना से अब महात्मा गांधी पर साधा निशाना, कहा दूसरा गाल से देने से मिलती है भीख, आजादी नहीं। महात्मा गांधी को लेकर कंगना का विवादित इंस्टाग्राम पोस्ट, लिखा स्वतंत्रता सेनानियों को उन लोगों ने अंग्रेजों के हवाले कर दिया जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। कंगना ने लिखा कि गांधी ने कभी भी भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया, सबूत है कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी। केंद्रीय मंत्री ने को पैसेंजर की जान बचाई, दिल्ली मुंबई फ्लाइट में बेहोश हो गया था यात्री, प्राथमिक चिकित्सा दी गई और इंजेक्शन भी लगाए गए। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री विराट की तारीफ की, दिल से है डॉक्टर, नेक काम किया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सीबीआई के बड़े छापे, 14 राज्यों के 77 ठिकानों पर रेड। छापेमारी में सीबीआई को मिले 50 से ज्यादा गैंग की जानकारी, 100 देशों तक कनेक्शन के तार। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर दिल्ली में 19 ठिकानों पर सीबीआई के छापे, यूपी की 11 जगहों पर रेड। ओडिशा के ढेंकनाल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर रेड के दौरान अफरा तफरी, सीबीआई टीम से भिड़े स्थानीय लोग। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा त्रिपुरा हिंसा का केस, आज दो वकीलों और पत्रकारों की अर्जी पर सुनवाई। सुपौल में रिकाउंटिंग की मांग को लेकर हंगामा, लोगों ने किया पथराव, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पंजाब के बठिंडा में एक लावारिस बैग ने पुलिस को घंटों तक किया परेशान, बॉम्ब स्क्वाड ने खोला तो निकले बैंक के कागजात। पंजाब में बटाला के करीब कार और दो मोटरसाइकिलों में टक्कर, 3 लोगों की मौत। कासगंज में स्टीयरिंग फेल होने के बाद प्राइवेट बस ने लोगों को रौंदा, पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत। हमीरपुर में जानलेवा बना हाईवे, 24 घंटे में 3 अलग अलग सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। गुरदासपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में हुई महिला की मौत पर बढ़ा बवाल, परिवार के सदस्यों ने बाईपास पर लगाया जाम। बिहार के नवादा में शराब तस्करों का शिकंजा, 200 लीटर शराब बरामद, नष्ट की गई 7 भट्टियां। बिहार के सहरसा में पुलिस ने हथियारों के साथ 6 बदमाशों को दबोचा, बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश। मुजफ्फरनगर में कत्तों की 2 फैक्ट्री में भीषण आग, करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद 20 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के रेवा में हत्या के बाद कुएं में फेंकी गई लाश, सीसीटीवी में कैद हुआ मारपीट का वीडियो। झारखंड के रामगढ़ में स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहे पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के सैनिक, आधुनिक हथियारों की लगाई प्रदर्शनी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पुला फेस्टिवल का आयोजन, टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से कराई गई नौका दौड़। बिजनौर में भव्य गंगा स्नान मेले का उद्घाटन, आकर्षण का केंद्र बनी हथियारों की प्रदर्शनी। 20 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पंच पूजा के साथ शुरू हुई प्रक्रिया। वाराणसी में आज से 19 नवंबर तक आयोजित होगा हॉट एयर बलून शो, एक बलून में 30 लोग भरेंगे उड़ान। केरल में बारिश थमने के बाद घटने लगा बाढ़ का पानी, लेकिन अब भी कम नहीं हुई है लोगों की मुश्किलें। दिल्ली में जारी है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, खादी इंडिया के स्टॉल पर उमड़ रही है भीड़। तरनतारन में ग्रोसरी स्टोर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दूसरी दुकानें भी आग की चपेट में आई, जेसीबी की मदद से दुकान तोड़कर डाला गया पानी।
राज्यों को इस महीने टैक्स के हिस्से के तौर पर केंद्र से मिलेंगे करीब 95,000 करोड़। वित्त मंत्री ने कहा एक एडवांस किश्त भी शामिल रहेगी। रेल सेवा के सामान्य होने के बाद किराए में हो सकती है 15% की कमी। महंगे प्लेटफॉर्म टिकट और खाने समेत दूसरी सख्तियां भी जारी रहेंगी। डिमांड और लागत में इजाफे के चलते सीमेंट की कीमतों में हो सकता है इजाफा। अक्टूबर में भी सीमेंट कंपनियों ने 7 से 8% बढ़ाए थे दाम। 40% लोग ऑनलाइन तरीकों से कर्ज लेने को दे रहे हैं प्राथमिकता। होम क्रेडिट की रिपोर्ट में किया गया दावा। कोरोना के बाद बच्चों के स्वागत के लिए आईटीसी क्लासमेट का विशेष एंथम। स्कूल की घंटियों, बस के हॉर्न और डस्टर जैसे सामानों की साउंड का इस्तेमाल। कोरोना के कहर के बाद तेज हुई फिल्मों की शूटिंग। शुरू हुआ सुनील सिहाग गौरा की नॉवेल डे टर्न्स डार्क पर बन रही फिल्म का शूट। रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड से मुकाबले के लिए तैयार है टीम इंडिया। आज जयपुर में होगा T20 मैच। विराट कोहली को लेकर रोहित शर्मा का बड़ा बयान। कहा सारे लड़के मशीन नहीं कि लगातार मैदान पर आए। हेड कोच बनने के बाद राहुल द्रविड़ ने बताया फ्यूचर प्लान। बोले वर्कलोड को मैनेज करना बेहद जरूरी। 2026 में भारत और श्रीलंका में होगा T20 वर्ल्ड कप। 2029 में भारत में होगी चैंपियंस ट्रॉफी। ICC ने किया शेड्यूल का ऐलान। अगले 10 सालों में हर साल होगी ICC ट्रॉफी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित करेगा पाकिस्तान। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा 2024 का T20 वर्ल्ड कप। मध्य प्रदेश के सीहोर पहुंचे भारत रत्न और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। स्कूली बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। साथ ही बाद नोवाक जोकोविच को पूरे साल नंबर वन रहने के लिए दी गई ट्रॉफी। पीट सम्प्रस के रिकॉर्ड को छोड़ा पीछे। तख्ती तल्खी के बीच शी जिनपिंग और जो बाइडन की वर्चुअल मुलाकात। चीन ने राष्ट्रपति ने कहा दोनों देशों को करना चाहिए एक दूसरे का सम्मान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने $1 ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल को किए हस्ताक्षर। देशवासियों से बोले बेहतर होने वाली है आपकी जिंदगी। किम जोंग उन ने किया चीन सीमा पर स्थित सेंजियान शहर का दौरा। निर्माण कामों का लिया जायजा। रूस ने अंतरिक्ष में उपग्रह को तबाह करने वाले हथियार का किया परीक्षण। टेस्ट के दौरान पुराने उपग्रह कॉस्मोस 1408 को किया था नष्ट। सीमा पर रूसी सैनिकों और टैंक की तैनाती में बढ़ोतरी से सतर्क हुआ यूक्रेन। रक्षा मंत्री ने रूस को चेतावनी दी। जेल में बंद जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति की बिगड़ी तबीयत। राजधानी तिब्लिसी के सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। लीबिया में पूर्व तानाशाह गद्दाफी के बेटे के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का विरोध। त्रिपोली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। अमेरिका के कैलिफोर्निया के स्कूलों में वैक्सीनेशन अनिवार्य किए जाने के विरोध में प्रदर्शन। फैसला वापस लेने की मांग ने पकड़ा जोर। एक बार फिर कोरोना का केंद्र बन रहा है जर्मनी। एक हफ्ते से हर दिन 40,000 से ज्यादा लोग हो रहे हैं संक्रमित। रूस को बेहाल कर रहा है कोरोना। 24 घंटे में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत। एक दिन में सामने आए 38,000 से ज्यादा नए मरीज। अमेरिका के कोलोराडो में हाई स्कूल के पास पार्क में फायरिंग। कई राउंड की गोलाबारी में 6 स्कूली छात्र घायल। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार। हाईवे तक पहुंचा पानी। कई इलाकों में यातायात पूरी तरह ठप।